हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, घर का सारा काम हो गया है और जो हाउसहेल्प पर आती है वो करके चली गई है झाड़ू पोछा वगैरह। तो उसके बाद बाबू को मैं नहलाई हूँ और मैं भी नहा ली हूँ, मशीन में कपड़े लगा दिए हैं तो कपड़े भी हो गए हैं। तो अभी मैं बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी। टाइम हो रहा है 11 और अभी नहाना धोना ही हुआ है, नाश्ता नहीं हुआ है, तो 11 बज गया है। तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले फटाफट से मशीन से कपड़े निकाल के और सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में और अभी बनाऊंगी चना का छोला और चावल। तो देखिए दोस्तों, चना फूलने दिए थे रात में, दिखाती हूँ बैक कैमरा से। देखिए दोस्तों, ये लाल चना है, बहुत दिन से रखा हुआ था, ऑनलाइन से मंगाए थे ये, तो फूलने दे दिए थे और अभी जो है इसका छोला बना लेंगे। तो देखिए, प्याज रखी हूँ, लहसुन, ये सब कट करती हूँ और छोला बनाती हूँ। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। गाइस देखिए, अभी जैसे कि आपको बताई कि चना का छोला चावल बनाऊंगी, तो जैसे कि रोज़ रोज़ दाल और चावल सब्जी भुजिया तो बनता ही है, लेकिन बोर हो जाते हैं बच्चे भी और हमको भी उतना दाल पसंद नहीं है, इसीलिए कभी कभी मैं सब्जी चावल या छोला चावल बना लेती हूँ। तो देखिए, चना तो फ्राई हो गया अच्छे से प्याज में और अदरक लहसुन जो है आज मैं मिक्सी में पीसी नहीं हूँ, ऐसे कूट के बस दरदरा कूट के डाल दी हूँ। और बाकी बेसिक मसाला जो है हमारा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलमरीच पाउडर, हल्दी सब डाल दी हूँ। और उसके बाद जो है देख सकते हैं जो गरम मसाला है वो ख़त्म हो चुका था छोटा डब्बा में, वो भी निकाल ली हूँ। और गरम मसाला भी मैं ऐसे घर में ही पीस के रखती हूँ, खड़ा गरम मसाला लाकर और पीस के रख देती हूँ। तो अभी 2 चम्मच वो भी डाल दिए हैं छोटी चम्मच से, तो बहुत ही अच्छा वाला एकदम चिकन जैसा बनता है दोस्तों। तो बहुत ही लाजवाब वाला बना था, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। जब ऐसा फ्राई हो जाता है ना तो ऐसे भी आप लोग मतलब खा सकते हैं चाय के साथ, लेकिन हम लोग को ग्रेवी बनाना है इसलिए पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो देख सकते हैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दिए हैं, अच्छे से जल्दी से बॉयल आ जाए। तो अभी जो है इसको पानी जितना चाहिए हमको उस हिसाब से डाल दिए हैं, थोड़ा पतली ग्रेवी ही रखना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इसका ढक्कन लगा देंगे, तो उसके बाद जो है हम करीब 3 सीटी ऐसा आने देंगे धीमी आंच में, तो हमारा जो छोला है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद बना लूँगी भुजिया और साग लेकर आए थे बाबू का पापा, तो मैं साग हमेशा हम लोग खाते हैं, हम लोग को पसंद बहुत है। गाइस गुड इवनिंग, तो दोस्तों अभी मैं सोकर उठी हूँ और कपड़े आज बहुत धोए थे तो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं जैसे ही उठा कर लाई हूँ कुर्सी पे, दिखाती हूँ आपको, देखिए
इतना सारा कपड़ा आज धुले थे और ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो मैं मतलब बताने में भी ये लग रहा है कि देखिए, जैसे ये कपड़ा ला कर रखी हो गाइस, उसके बाद तेज झमाझम पूरा बारिश देने लगा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से, इतना बारिश आया है बैक कैमरा से, देखिए आप लोग कितना बारिश आया है गाइस। तो देखिए तेज झमाझम बारिश आ गया पूरा। तो गाइस अगर मैं थोड़ा आधा घंटा पहले अगर सोकर नहीं उठती शाम को, तो मेरा जो सारा कपड़ा है वो सारा भीग जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा मतलब कभी अच्छा होना रहता है तो अच्छा होके ही रहता है। तो मैं अच्छा हुआ कि आज जल्दी उठ गई हूँ और सारा कपड़ा जो है बच गया भीगने से। तो बस आधा घंटा और लेट करते तो मतलब जो सारा सूखा हुआ है वो भीग जाता। तो गाइस अभी जो है सारे कपड़े जो है अभी सूखा हुआ बच ही गया, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं, और बाबू का कपड़ा अलग और हम लोग का अलग, बाबू का पापा का अलग, अच्छे से फोल्ड करके फिर सभी का अपना अपना जगह पे रख देंगे। ताकि अभी सीजल बाबू भी खुद से निकाल के पहन लेती है, स्कूल जाने लगी है ना, थोड़ा होशियार भी हो गई है, होशियार थी भी बाबू और थोड़ा हो भी गई है, स्कूल जा के आती है खुद से। मैं नहाने में हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह खुद पहन लेती है, और सभी कपड़े जो है मैं अलग अलग रख देती हूँ, तो आसान हो जाता है सबके लिए अपना अपना लेके पहनने के लिए। तो गाइस देखिए बच्चों का कपड़ा जो है एक जगह फोल्ड करके रख देंगे। तो दोस्तों फटाफट से मैं जो कपड़े हैं सारे फोल्ड कर लेती हूँ, और ये जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में नए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।